पाकिस्तान में कल हुए चुनाव के बाद नतीजों को लेकर खींचतान जारी है। जो चुनाव नतीजे आधी रात के बाद तक आ जाने चाहिए थे उसमें कई घंटों की देरी हो रही है और इसी बीच पीटीआई की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि देरी इसलिए की जा रही है ताकि चुनाव नतीजों में धांधली की जा सके। शुरुआती रुझान में पीटीआई के जो समर्थन वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी बढ़त जो है वो नज़र आ रही थी। 150 से ज़्यादा सीटों पर पीटीआई समर्थित जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो लीड ले रहे थे, लेकिन अब जो है इसमें एक बदलाव देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर पीटीआई के जो समर्थन वाले आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हारते नज़र आ रहे हैं। हालांकि जो 13 सीटों पर जो नतीजे अब तक सामने आए हैं उसमें से 4 जो है वो पीएमएलएन को गया है, 4 जो है वो पीपीपी को गया है और 5 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को गया है। तो जिस तरह की एक सूरत हाल नज़र आ रही थी जिसमें ये लग रहा था कि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन जो है उसके लिए राह बिल्कुल आसान है, मैदान साफ है और एक बड़ी जीत की ओर वो पार्टी जाएगी, वो हुआ नहीं। और ये भी माना जा रहा है कि नवाज शरीफ जो हैं वो अभी सदमे की स्थिति में है क्योंकि जिस जीत की वो उम्मीद कर रहे थे वैसी जीत नहीं मिली है, एक टक्कर जो है वो मिली है और वो भी पीपीपी की तरफ से नहीं बल्कि पीटीआई की तरफ से, जिसने पख्तूनख्वा में तो अच्छा प्रदर्शन किया ही है, पंजाब में भी उसके उम्मीदवारों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ये अलग बात है कि पीटीआई से चुनाव चिन्ह जो है बैट वो छीन लिया गया था, इसी वजह से उसके तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अलग अलग चुनाव चिन्हों पर लड़ने को मजबूर हुए। उसके बावजूद इतनी अच्छी कामयाबी जो है कम से कम शुरुआती रुझान में ही सही जो देखने को मिली है उससे जो पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, उनके अंदर खासा उत्साह है। इमरान खान खुद जेल में हैं और ऐसे में अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उनके जो समर्थित समर्थन वाले उम्मीदवार सामने आते हैं तो आगे दूसरी चुनौती होगी, क्या वो एकजुट रह पाएंगे, उनको तोड़ने की कोशिश होगी, किसी दूसरी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से जो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको 72 घंटे के भीतर किसी न किसी पार्टी के साथ अपने आप को अलाइन करना होगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो एक इलेक्शन कमीशन जो है ने उसकी जो निशान है वो छीन लिया हुआ है और एक पार्टी के तौर पे उस झंडे तले फिलहाल वो खड़े नहीं हो सकते जब तक कि इमरान खान की पार्टी जो है वो आंतरिक चुनाव ना करा ले। तो पीटीआई आंतरिक चुनाव कितनी जल्दी कराती है, अपने जीते हुए उम्मीदवारों को किस तरीके से एकजुट रखती है, इन सब बातों पे निगाह बनी रहेगी। लेकिन जो चुनाव नतीजों में देरी हो रही है उसको लेकर तमाम आलोचनाएं इलेक्शन कमीशन को झेलनी पड़ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से आर्मी ने जो काम किया है उसके बावजूद जो कामयाबी इमरान खान की पार्टी को मिला है या मिलता नजर आ रहा है इस वजह से इस देरी को किया जा रहा है ताकि चुनाव के नतीजे पलटे जा सके और पीएमएल को जिताया जा सके। तो अगले कुछ घंटे जो काफ़ी अहम है पाकिस्तान की सियासत के मद्देनज़र।